दोस्तों आपको बता दें कि फाइनली बॉलीवुड के यानी कि सन्नी पाजी के फिल्म गदर 2 अब OTT पर रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो दोस्तों सामने निकल कर आ चुका है। तो आज इस वीडियो में बताएंगे गदर 2 के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे शाहरुख खान की फिल्म जवान के अब तक टोटल वर्ल्ड वाइड सभी भाषाओं के कलेक्शन के बारे में। इसके अलावा बताएंगे राजवीर देवल की फिल्म दोनों की 5 दिनों की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों सब कुछ बताएंगे आपको वीडियो में, लेकिन दोस्तों उससे पहले ये तीनों फिल्म में से आप किसे ज्यादा बेस्ट मूवी मानते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप भी हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आपको बता दें कि इस हफ्ते रिलीज हुए ड्रामा फिल्म दोनों, जिस फिल्म में राजवीर देवल के साथ एक हीरोइन भी नजर आई थी, फिल्म का बजट था 8 करोड़ रुपया और इस फिल्म को 273 स्ट्रेंथ पर रिलीज किया गया था। और दोस्तों फिल्म जब कम स्ट्रेंथ पर रिलीज हुई तो सीधा सा बात है कि फिल्म का कलेक्शन भी ज्यादा आना मुमकिन नहीं था। और यह फिल्म दोनों ने पूरे 5वें दिन टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो यह फिल्म 3 करोड़ 35 लाख रुपए का कमाई कर ली है। वहीं दूसरी तरफ शाहरुख खान की फिल्म जवान की बात करें तो यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा ही कमाई कर रहा है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि सन्नी पाजी की फिल्म गद्दार 2 और उनके बेटे का फिल्म दोनों ने बहुत ही ज्यादा पीछे है। दोस्तों आपको बता दें कि ये दोनों फिल्म से जवान बहुत ही पीछे है। और आपको बता दें कि यह फिल्म गद्दार 2 को रिलीज किया गया था 11 अगस्त को और यह फिल्म के सामने अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 भी रिलीज हुई थी। लेकिन दोस्तों अक्षय कुमार का फिल्म कुछ ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर गर्दा ही नहीं मचाया, लेकिन दोस्तों वहीं गद्दार 2 ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर गर्दा ही मचाया हुआ है और फिल्म गद्दार 2 को OTT पर भी रिलीज किया गया। और बता दें व्यू की बात करें तो दोस्तों 2 दिन में 100 मिलियन से प्लस की व्यूज, दोस्तों 100 मिलियन प्लस व्यूज कंप्लीट कर लिया था। और यह फिल्म टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो यह फिल्म टोटल कलेक्शन में 528 करोड़ 70 लाख रुपए का कलेक्शन कर चुका है। तो दोस्तों आपको गद्दार 2 के बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।